आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, मैं पहाड़ी मन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। मैं फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। तो ये खेल रहे हैं बच्चे, देखो बजरी में लगे हैं। ये देखो क्या बना रहे हो तुम। गाइस मैं जाती हूँ अब कमरे पे, तो चलती हूँ। मेरे नीचे बच्चे खेल कर रहे हैं, तो देखो कैसा हो गया ये, तो चलते हैं ऊपर। ये देखो तो चलती ऊपर, मम्मी क्या कर रही देखते हैं, फिर जाएंगे हम नीचे खेलने जा रहे हैं। तो चलते हैं। और काजल आ गई है स्कूल से। कब आई? अच्छा तो गाइस ताई जी लोग ने नया मकान भी बना रखा है, परसों छत डली थी तो मैं जाती हूँ छत पे। ये देखो अभी तो पक्का नहीं हुआ होगा क्योंकि नीचे से भार लगाया हुआ है। देखो तो गाइस ताई जी लोग के यहाँ से आने का ठीक हो गया, हमारे यहाँ से इधर तक कूद मार के आ जा रहे हैं ताई जी लोग के छत पे। तो अभी यहाँ चट्टी चढ़ाएंगे, तो अभी प्लेन बनेगा जैसे वो है ना लैंडर, वैसे प्लेन यहाँ पे भी बनेगा। तो अभी 2-3 दिन ही हो रहे हैं लैंडर को डाले हुए, तो 22 दिन के बाद खुलता है बाहर, तो उसके बाद ही होगा काम स्टार्ट। तो बना रखा है ताई जी ने मकान, एक कमरा और एक किचन बना रखा है, तो बन जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। तो चलती हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं नीचे को घूमने आ गई हूँ, वो भी गधेरे के रास्ते। मैं गधेरे के रास्ते बहुत टाइम से नहीं आ रही हूँ, जब से गधेरा आ रखा था तब से मैं नीचे को नहीं आ रही हूँ। तो मैंने कहा वीडियो भी बना दूँगी और ज़रा घूम भी लूँगी, तो चलती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और देखो कितना चौड़ा हो गया है, देखो। और आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे को नुकसान क्या क्या हो रखा है और क्या क्या हो गया है। किसी ने मकान मतलब किसी ने सही कर दिया है मकान भी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो आज फिलहाल घर पे ही, तो मैं और नीचे जाती हूँ, नीचे तक चलते रहती हूँ दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी नैनवल टेंट हाउस है ना, तो यहाँ पे भी धोर का है। एक हमारे पास है कारगी टेंट हाउस और एक नैनवल टेंट हाउस, तो खैरना पे हैं, तो ये उनका सुकरा है टेंट। तो आजकल शादी के सीज़न भी आ गए ना, तो इस वजह से टेंट धोया जा रहा है। चलती हूँ मैं नीचे को भी, देखते हैं कहाँ तक जा पाती हूँ मैं। बने रहना वीडियो में। तो ये रही फाइनली पुल, और पहले की तरह बना रखी है, देखो बांस के डंडे की तरह वैसे ही बना रखी है जैसे पहले थी ना, उसी टाइप की अभी भी बना रखी है देखो। और पार जाने के लिए सुविधा थी, जब हमारे यहाँ ना गधेरा आया था तो ये पुल टूट चुकी थी, तो यहाँ पर से ले वो जो आप लोगों को कूड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो कूड़े से पूरा पार होते थे और गधेरा आता था, तो पार होके जाते थे, गधेरा पार करके लेके जाते थे। और ना क्या थे इतना बहाव होता था ना उसमें, बहुत ज़्यादा बहाव मतलब नीचे को बहाव होता था। जब मैं भी गई थी ना आधी तक, हमने सोचा ना पार जाएंगे करके पर पत्थर पे, तो बहाव हो रहा था, हम गए भी नहीं इस वजह से। कभी जाएंगे अब, क्योंकि अब तो नीचे को आने का बहुत कम हो गया है। तो मैं ऊपर के साइड जाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो कैसा हो गया और कितने सारे पत्थर आ गए हैं। वैसे ना हमारे यहाँ ना एक चीज़ की सुविधा है, बजरी मिल जाती है, बस एक बजरी की सुविधा है। और वैसे तो बहुत रिस्क का काम है यहाँ रहना, जब तक बुलडोजर नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। गर्म पानी में, सच्ची में गर्म पानी में कुछ भी नहीं है। जब तक कुछ नहीं होगा ना यहाँ, जब तक बुलडोजर नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहले नीचे को जाके दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं सोच रही थी ऊपर को जाऊँगी, तो वहाँ पर तक जहाँ पर मेरी दादी लोग का मकान है ना, वहाँ पर तक का पानी आया। पहले मैं यहाँ से खाना देने जाती थी ना, तो देखो उधर के साइड से पूरा पानी आ रहा है। तो मैं फिलहाल अब तो मैं खाना देने नहीं जाती हूँ, क्योंकि भैया घर ही आते हैं खाना खाने। तो आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे को। और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना एक जगह कि वहाँ नीचे से भी पानी आ रहा था, और उनके मकान के नीचे से पानी आ रहा था और टूट चुका था, मैंने आप लोगों को बताया था ना, दिखाया भी था। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। और मुझे तो यहाँ डर लग रही है चलने में, देखो कैसे हो रहा है यहाँ, खत्म आप लोगों को। ये रहा वो जो गड्ढा जैसा दिख रहा है ना आप लोगों को, उसके अंदर तक पानी आ रहा था। और उसके बगल वाला जो बना रखा है वो नया बना रखा है, ये नया बना दिया है। ये देखो जो सबसे पहली वाली आपदा आई थी, तो उस वजह से ये पूरा मकान टूट गया था, तब से ये मकान सही भी नहीं किया है। ये देखो
स्टेप का। ये देखो जो आप लोगों को इसके नीचे दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये बना रखा है नया, तो ये पूरा टूट चुका, उसके नीचे वाला टूट चुका था, तो इसके नीचे से पानी जा रहा था। देखो अंदर से मिट्टी भी दिखाई दे रही होगी बजरी। तो गाइस मुझे ना नीचे खैना से कुछ सामान लेके आना था, मैंने सोचा खैना के रास्ते मतलब गधेरे के रास्ते जाती हूँ, तो नीचे से तो पानी आ रहा है, तो अब नहीं जाती हूँ। मम्मी ने कहा था लेके आना कुछ सामान, तो अब मैं नहीं लेके आ रही क्योंकि पानी हो रहा है ना उधर के रास्ते, तो मैं नहीं लेके आ रही हूँ। ये ना नदी ना बहुत तिरछी हो गई है, देखो उधर के साइड जाना चाहिए था उस पानी को, ये सीधे इधर को भी आ रही है, तो इस वजह से बंद हो रखा है। तो फिलहाल चलती हूँ मैं, चलती हूँ घर को ही। फिलहाल क्या कह सकते हैं, पोपट हो गया कह सकते हैं। लेने आए इस बच्चे खेल रहे हैं फिसल पट्टी, ये देखो ओले 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 रोते नहीं है। तो गाइस प्रांसु की देखो टोपी और एक गिर गई थी, लगी नहीं पर देखो। हाय गाइस, हाय गाइस कैसे रहेंगे। तो गाइस इसका रोना नौटंगी, इसकी नौटंगी है ये। बाहर हो गया अंधेरा, तो मम्मी ने देखो पूरी साड़ियाँ फैला रखी है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। आप सभी को भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, पानी मन में तब तक कले सस्ते रहिए, मत रहिए। जो भी मेरे चैनल को नया देखता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो ये बस छोटा सा ब्लॉग है, तो नदी में मैं घूमने गई थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कितना टूटा है, क्या क्या हो रखा है करके नदी पे। तो मैं आज ही गई हूँ, बहुत दिनों उसके बाद आज ही गई थी, जब से कभी आया था तब से आज ही गई हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग भी बनाया जाए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ गर्मी में कैसा हो रहा है करके। तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बाय बाय गाइस।